एसएन मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में ओपीडी का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें, इस ओपीडी में मेडिसिन और सर्जरी विभाग की ओपीडी शुरू हो गई है। केवल ₹1 के पर्चे पर मरीजों को परामर्श मिलेगा। एसएन मेडिकल कॉलेज में बन रही सुपर स्पेशलिटी ओपीडी में जो ओपीडी का शुभारंभ होना था वो हो चुका है। काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। बस इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ ओपीडी की सर्विस मरीजों को दी गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ दिखाएं, ये पूरा जो एरिया है ये पूरा सुपर स्पेशलिटी का है। लगातार आप देख रहे हैं ये पंखे लगे हुए हैं, ये पूरा एयर कंडीशनर है। एयर का यहाँ पर मरीजों को कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि गर्मी और उमस में और गर्मी या सर्दी में जो हम लोग मरीजों या उनके तीमारदानों को समस्या होती थी वो इस बिल्डिंग के नहीं होगी अंदर। हम अभी गेस्ट डिपार्टमेंट में जाएंगे, गेस्ट डिपार्टमेंट में कौन बैठा है वो उनसे बात करेंगे। ये गेस्ट डिपार्टमेंट के डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करेंगे। पहले तो आपका सर, आपका नाम बताएं सर, क्या किस डिपार्टमेंट में आप जो? मेरा नाम डॉक्टर सचिन अरोड़ा है। मैं गैस्ट्रो सर्जरी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर और अभी गैस्ट्रो सर्जरी इंचार्ज हूँ। अक्सर हम काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे, आप एक टूटी सी बिल्डिंग में, छोटी सी बिल्डिंग में बैठे हुए थे, ना ढंग से उसमें पंखे की व्यवस्था थी, ना कूलर लगा हुआ था, ये पूरा एयर कंडीशनर है। तो कैसा लग रहा है आपको, पहले तो ये बताएं सर। देखिए, हमारे लिए तो ये है कि आपकी बात से मैं सहमत तो हूँ कि नई बिल्डिंग है, बहुत ही अच्छा। आप ओपीडी देख ही रहे हैं कि कितनी सुंदर ओपीडी बनी हुई है, पूरी बिल्डिंग ही बहुत अच्छी है। मतलब इसका सारा क्रेडिट अगर मैं बोलूं तो प्रिंसिपल सर को तो बिल्कुल जाएगा, बिकॉज़ उनकी मेहनत से ये सब चीज़ें आज इतनी बन पाई हैं, जल्दी से शुरू हो पाई। और मेरे हिसाब से अगर आप पूरी बिल्डिंग देखेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिनको मिलने वाला है वो है आगरा की पब्लिक को। और अगर आप माने तो यहाँ का जो प्राइवेट ट्रीटमेंट है उससे बेटर ट्रीटमेंट आप इस बिल्डिंग में दे पाएंगे, जिस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। जब ये बिल्डिंग बन रही थी उसी दौरान आप लोगों के जो सुपर स्पेशलिटी में जो डॉक्टर, उनके अपॉइंटमेंट हो गए थे, ओपीडी शुरू नहीं होती, एक ऑल्टरनेट पेशान जी ने व्यवस्था की, एक बेहतरीन कदम उन्होंने सोच के रखा और के और उसको सक्सेस भी रहा, क्योंकि शायद आप लग रहा है कि एक साल होने को हो गए वहाँ पर ओपीडी चालू हुए भी। बिल्कुल, एक साल वहाँ हमने शुरू किया था एक साल पहले। अगर हम बात करें, एक साल पहले मैंने बैठना शुरू किया था, तब शुरू में 2 पेशेंट 4 पेशेंट 5 पेशेंट, लेकिन लास्ट जो हमने ओपीडी वहाँ पे करी थी तो अब 25 से 30 पेशेंट हमारे, अगर हम बात करें सिर्फ गैस्ट्रो सर्जरी के, तो बिल्कुल आ रहे थे। वो चाहे नए पेशेंट्स हों या जनरल सर्जरी की तरफ से रेफरल हों या दूसरी तरफ से रेफरल हो। सबसे इस बिल्डिंग की अच्छी बात है क्योंकि ये पूरी सेंट्रलाइज ऐसी है, मतलब मरीज और तीमारदार को जितना भी वक्त लगेगा ये एक छत के अंदर रहेगा। और हम और जो पुरानी जो बिल्डिंगें बनी हुई वहाँ बंदरों का बहुत आतंक है, उससे भी एक निजात यहाँ पर मिलेगी। साथ में जो मरीजों को जो और जो समस्या होती, जो एक्स्ट्रा जो लोग आ जाते थे वो भी इस बिल्डिंग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल सारी सुविधाएँ हैं उन्हीं के लिए हैं। दो कुछ चीज़ें आपने बताई हैं, कुछ चीज़ें ये हैं कि आप देख रहे हैं नई बिल्डिंग है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रख के बनाई गई है। क्योंकि ये जो सुपर स्पेशलिटी जो बिल्डिंग है, मिनी एम्स की तर्ज पर इसको बनाया गया है। जो बाहर से जो डॉक्टर जो दूसरे स्टेटों से यहाँ पर मतलब सोचते थे कि हम ऐसे नहीं जाएँ, क्योंकि बहुत से जो MBBS करके MD कहीं और से की सर और कोई स्पेशलाइज कहीं और से बाहर से किया, वो आना नहीं चाहते थे, पर इस बिल्डिंग के बनने से शायद वो लोग यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और आगरा वासियों को फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं अपनी खुद की पर्सनल बात करूँ तो हम लोग संजय गांधी PGI से आए थे। अब हर कोई जानता है संजय गांधी PGI की बिल्डिंग और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ से निकलने के बाद अगर आप कहीं और भी जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर यहाँ पर आने के बाद जो पहली फीलिंग ये थी कि हमें खुद से ऐसा लग रहा है कि हम शायद संजय गांधी PGI में ही हैं, क्योंकि इस टाइप से ये बिल्डिंग बनी हुई है। और अभी तो कुछ चीज़ें बची हुई हैं, जब वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप बिल्कुल ये कह पाएंगे कि हाँ, ये एक दूसरा संजय गांधी PGI या एम्स आपके सामने है। सही कहा, SN मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने लगातार SN जो कि सूरत है और सूरत दोनों ही बदल रही हैं, लगातार उनकी सुख सुविधाओं के हिसाब से बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। और डॉक्टरों को भी इसमें फ़ायदे होंगे जो दूर दराज जो राज्यों में काम करते थे या देश से भी बाहर जाना था, पर ऐसी जब बिल्डिंगें यहाँ बननी शुरू होंगी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में जब ऐसी बिल्डिंगें बनेंगी तो हर कोई यहाँ पर काम करना चाहेगा, हर कोई अपने देश में अपने देश के जो लोगों की सेवा करना चाहेगा। कैमरामैन मनोज के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़ आगरा।